नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट 2024। जी हाँ दोस्तों, कब से आप लोग की आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और एक बात और आपको बताएंगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि हम डीएलएड बीटीसी करें या बीएड कोर्स करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो आपको कौन सी क्लास तक टीचर बनने का मौका मिलेगा, या अगर आप बीएड करेंगे तो कहाँ तक आप टीचर बन सकते हैं। देखिए, आपके मन में जो भी सवाल है ना, उसका उत्तर आपको मिलना चाहिए। एक बात और आपको बता दें, अभी दोस्तों हमारा 12वीं का रिजल्ट है, क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को डीएलएड करने का मौका मिलता है, उसका भी सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे। सरकारी शिक्षक की सैलरी कितनी होती है, लेकिन एक बात और, एडमिशन लेने से पहले शिक्षक बनने का पूरा नियम जान लीजिए, आप टीचर बनेंगे कैसे। बहुत से बच्चे एडमिशन तो ले लेते, बाद में पछताते हैं, बेमतलब का पैसा और समय की बर्बादी होती है, ठीक है, कुछ नियम ना जानने की वजह से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट भी होती है, डीएलएड में हर एक बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। मान लीजिए आप 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है डीएलएड में एडमिशन की, उसको भी हम इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो गाइडलाइंस है, लास्ट टाइम हमारा एडमिशन कैसे हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज कैसे क्या मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए टेट का एग्जाम आगे चलकर आपको देंगे। फिलहाल देखिए, जो हमारा एक विज्ञप्ति आएगा, नोटिस आएगा ना, डीएलएड बीटीसी 2024 या 23 का है, ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में आपको ऐसे नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना। शैक्षिक अर्हता में आपका देखिए हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, 12वीं कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज हो, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है, 18 साल। यहाँ पर देखिए आयु का मैटर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको और बता दें, कुछ बच्चों को छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं। निवास को लेकर एक बात यहाँ पर रहती है कि निवास आपका क्या होना चाहिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हो कुछ दिन के लिए, आकर यूपी में रह रहे हो उसके बाद आप आवेदन कर ले, ऐसा नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप स्थायी निवासी होना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद देखिए कुछ और बातें, और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, एडमिशन के लिए आप लोग दोस्तों जो फॉर्म भरना पड़ता है ना, पैसा देखिए पहले कितना लगता है वो देखते हम लोग, ठीक है। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, तो फॉर्म भरते समय आपका 700 रुपये लगेगा, उसके बाद साइबर कैफे की अलग फीस, 100 रुपये मान लीजिए, तो 800 रुपये आपका खर्च आएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में ये 500 रुपये लगेगा, विकलांग श्रेणी में ये 200 रुपये लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी फीस कितनी लगेगी। देखिए आपका कॉलेज दो प्रकार का होगा, एक सरकारी कॉलेज होगा, दूसरा दोस्तों प्राइवेट कॉलेज या निजी कॉलेज कह सकती है। देखिए निजी संस्थानों में आप अगर एडमिशन लेंगे तो आपको एक साल का देना पड़ेगा 41,000 रुपये, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 10,200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फीस आपको पता होना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात और आपको बताएं, अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पहले साल का 10,200 यहाँ पर देखिए लिखा है, दूसरे साल का 10,200, ये दोस्तों हमारा 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर दोस्तों, कॉशन मनी रिफंडेबल, आप अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका 2,500 रुपये बाद में रिफंड भी कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। एक बात और, तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10-12 जून के बीच होने वाली है, शिक्षक भर्ती में दोस्तों देखिए ये सब वैकेंसी आती है, ये सब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता दें फिलहाल कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून के बीच होगी। इस चरण में 87,774 दोस्तों, जो बिहार में भी पेंडिंग वैकेंसी चल रही है 87,000, ठीक है, 774, इतनी बड़ी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ना, कि मतलब ये समझिए वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है। तो हर एक बात आप जानते रहिए, देखते रहिए,
और देखिए स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। ये दोस्तों प्रयागराज से अपडेट है, जिन बच्चों का भी रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे ना। और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे डीएलएड एडमिशन के लिए तो फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय अगर आपने नाम गलत कर दिया अपना, ये सब तो दिक्कत में आएंगे। एक बात और बता दें, स्वैच्छिक अर्हता में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन। लेकिन दोस्तों ग्रेजुएशन में एक कंडीशन रखी गई है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के छात्र, तो मिनिमम आपको 50% होना जरूरी है। अगर आप लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी में, तो आपका मिनिमम 45 डिग्री होना जरूरी है। ये ग्रेजुएशन के नंबर की बात हो रही है, इंटर हाई स्कूल तो यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएशन में इतने नंबर आते हैं तब तो आप आवेदन कर पाएंगे, परसेंटेज से लेना देना है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर क्या इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं? अगर हमें डीएलएड बीटीसी 2024 में एडमिशन चाहिए तो कैसे हम एडमिशन लेंगे, कैसे, ठीक है। तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन पिछली बार हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार भी मेरिट से ही होगा। मेरिट में आपके हाई स्कूल के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज, ग्रेजुएशन के परसेंटेज जोड़े जाते हैं। मान लेते हैं हाई स्कूल में आप 80% लाते हैं, 12वीं में 70% लाते हैं, ग्रेजुएशन में 60%, जोड़ लीजिए 8, 7, 15, 60 जोड़ेंगे, हो जाएगा ये 210। ये दोस्तों आपकी मेरिट बन गए कितने नंबर में से, 300 में से, क्योंकि हाई स्कूल में भी टोटल आपके 80% 100 में से आ रहे हैं, 12वीं में 70% 100 में से आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में 60% 100 में से आ रहे हैं। तो मतलब आपके 210 नंबर बने 300 में। आपको बता दें बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन बच्चों के 250 नंबर तक भी बनेंगे। भैया डीएलएड में टॉपर की होड़ रहती है, जो यूपी में बच्चे भी टॉप कर रहे हैं जिला भर में ना, मैक्सिमम बच्चे डीएलएड ही ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा, मैक्स टू मैक्स। आप फॉर्म भरेंगे, रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट तब आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट आप समझ गए, फीस आप समझ गए, मिनिमम 700 तक जा सकती है, ठीक है। एज लिमिट 18 साल मिनिमम, 18 से 35, बाकी छूट आपको मिलेगी आरक्षित वर्ग में 35 के ऊपर। मिनिमम एज में कभी छूट नहीं मिलती, याद रखिएगा। आप सोचें कि 18 के बदले 17 में हो जाए, ये नहीं होगा। तो 21 अप्रैल और उसके बाद तक की जो भी अपडेट्स हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए 12वीं पास छात्रों को फिलहाल अभी मौका नहीं मिलेगा, यूपी में नहीं, ठीक है। कुछ अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर 12वीं के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं, फिलहाल ऐसा मौका आपको यूपी में देखने को फिलहाल नहीं मिलता। सरकारी शिक्षक अगर आप बनेंगे टीचर तो 50,000 तक सैलरी रहेगी आपकी स्टार्टिंग से। एडमिशन लेने से पहले देखिए जो नियम है, फिलहाल में आपके यहाँ पर परसेंटेज जोड़ा जाता है, हाई स्कूल का भी देखा जाता है, 12वीं का भी, ग्रेजुएशन का भी, जब डीएलएड आप लोग कर लेंगे तो डीएलएड का भी, ठीक है ना। तो हम आपको सारी बातें चीजें बता दे रहे ना, कल को आप लोग को कंफ्यूजन बना रहे कि क्या होगा। प्लस उसके बाद दोस्तों एक सुपर टेट का पेपर होता है, ठीक है, एस टेट का नाम। एक आप दोस्तों देंगे पेपर टेट का, देखिए आपको जरा बता देते हैं बेसिक सा नियम। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, फिलहाल में आने वाले टाइम में जैसे हमारा बिहार में वैकेंसी है बीपीएससी, ठीक है, ये भी शिक्षक भर्ती का पेपर है, वहां पर 120 नंबर का पेपर लिया जा रहा है। अगर आप ठीक है कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले रहे हैं, आपको बता दें मिनिमम 39 नंबर तक बिहार में नौकरी मिल गई। जो पहले चरण में वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई वन में, आपने देखा होगा 39 नंबर, ठीक है, भले ये आरक्षित वर्ग रहा हो लेकिन 120 में से 39 नंबर लाना आपको लग रहा होगा इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, ठीक है। इन बच्चों तक को नौकरी मिली है यूपी में। दोस्तों अभी क्या है ना कि अभी डायरेक्ट सुपर टेट पर नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है जब आप लोग शिक्षक बनने के लाइन में लगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216, ठीक है, 8738079216। जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको पूरा वीडियो में बता देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कुछ भी आपसे गलती ना हो, ठीक है, जिस पर बाद में आपको कोई दिक्कत आए। और दोस्तों जो भी क्लासेस आपके चलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, डीएलएड में टोटल दोस्तों 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर का पेपर देना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकेंड सेमेस्टर होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है, ठीक है। हर एक सेमेस्टर का अलग अलग पेपर होगा, हर सेमेस्टर को पास करना जरूरी है, लापरवाही नहीं करना है। एडमिशन के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी, 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज के बारे में पता करेंगे, बिल्कुल पता करना कॉलेज आपका कैसा है। बहुत से बच्चे ये नहीं पता करते। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस, बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पर नहीं जाना पड़ता, बहुत से कॉलेज है जहाँ जाना पड़ता है, सरकारी में तो भैया जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बच्चे सरकारी कॉलेज क्यों नहीं लेते, बहुत से बच्चे डाइट, सरकारी कॉलेज को हम डाइट भी बोलते हैं,
क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती है। प्राइवेट ले लिया तो किस्मत रही तो स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, क्लास भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बाकी आपका जो डाउट होगा तो मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और फॉर्म भरने का दोस्तों जो प्रोसेस है, उम्मीद है कि मई लास्ट या जून तक शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब इसका विज्ञापन बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा।